प्यारे बच्चों, मैं आज सॉल्व करूंगा 4.4 का क्वेश्चन नंबर। पहले से मैं शुरू करूंगा। इसको शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूं। इसमें हमें कहता है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो आज तक हम पढ़े हैं कि मूल ज्ञात करना गुणनखंड द्वारा। तो यहाँ विवितकर शब्द होता है, इसे विवितकर को हम डी से पदसी करते हैं। विवितकर, विवित कर, विवितकर को हम किसे पदसी करते हैं? डी से। डी हम डी से, डी बड़ा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका विस्तार रूप मैं बताऊंगा जब सीधाचार विधि से जब मूल ज्ञात करने जाएगा तब बताऊंगा। लेकिन विवितकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। लिखते हैं कब लिखते हैं? देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए बराबर चिन्ह होता है जब या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, तो इसका मूल होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। आपके अध्याय में नहीं है लेकिन जान लीजिए, वास्तविक होगा और क्या होगा? समान नहीं होगा, खाली वास्तविक होगा। मतलब धनात्मक जब आएगा तो हम कहेंगे वास्तविक है। वो 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक आएगा तो होगा वास्तविक होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो अर्थात पूरा 0 हो जाए, मतलब दोनों पूछ बराबर हो जाए, ये भी बराबर का चिन्ह है, तो लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। तब लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, 0 से का हो छोटा हो, 0 से का हो छोटा हो, तब यहाँ का होता है मतलब ऋणात्मक आएगा। जब ऋणात्मक चिन्ह आएगा लिखेंगे काल्पनिक है या अवास्तविक है। अवास्तविक होगा या लिखेंगे काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। प्यारे बच्चों, इस तीन चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो मैं इसी पर सॉल्व कर दूंगा, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, समान होगा कि काल्पनिक होगा। तो यही कंडीशन आता है कि अगर धनात्मक आ जाएगा तो वास्तविक होगा, अगर 0 आ जाएगा तो वास्तविक तथा समान होगा। लेकिन अगर कोई मूल माइनस में आएगा तो लिखेंगे इसका अस्तित्व नहीं है अर्थात काल्पनिक है और असमान है। कब? जब माइनस में आएगा तब। चलिए ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है 4.4 का ही पहला क्वेश्चन है, इसे आपके बुक में दिया होगा, देख लीजिएगा। उसमें लिखा क्या है? लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रकृति कैसा है, वास्तविक है कि समान है कि अवास्तविक है, ज्ञात कीजिए। यदि मूल अस्तित्व में हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व मतलब अगर धनात्मक हैं तो ज्ञात कीजिए, अगर ऋणात्मक है उसको वहीं का कर देंगे आप, छोड़ देंगे। चलिए तो इसको कैसे तुलना करेंगे? तो पहले इसका तुलना करते हैं हम। देखिए द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण कैसा होता है? ax स्क्वायर धन bx प्लस c के रूप में। तो लिखेंगे समीकरण का तुलना, एक छोड़ देखिए ध्यान से, समीकरण का तुलना तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर धन bx प्लस c बराबर 0 से ऐसा करेंगे। देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो a है, यहाँ a बराबर आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए b बराबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। a b c का मान हमें ज्ञात हो गया ना। अब पता करें कि मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, तो इसके तुलना हो गया तब निकालेंगे विवितकर। या विवितकर सब लिखिए या d लिख दीजिए खाली। क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तभी मूल वास्तमान रखिए। देखिए बी बराबर कितना है? -3 का होल स्क्वायर 4, ए बराबर कितना है? 2, सी बराबर कितना? 5, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 होगा, 10 होगा ना, और 10 × 4 = 40 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 में से 40 का जब माइनस करना है 31 आएगा। तो देखिए ये क्या है? 0 से बड़ा है ना, 0 से छोटा है, क्यों? क्योंकि ये माइनस है। क्या लिखेंगे? अतः काल्पनिक है, काल्पनिक है, इसका अस्तित्व नहीं है।
इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, यही आपका कहा है कि अगर अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। तो जब काल्पनिक आ गया तो हमारा अस्तित्व है या नहीं है, आ कैसे काल्पनिक आया है ये बता दे, क्योंकि माइनस, अगर माइनस में आएगा तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका दूसरे चल रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर टू है। तो आप तुलना ऐसा करिए, इसको ए मान लीजिए, इसको एक्स के आगे जो है बी, मान इसको मान लीजिए सी, तुलना करने को बताए दिए हैं। तो ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर क्या हो गया तीन, बी बराबर कितना हो गया माइनस फोर करीब थ्री, सी बराबर कितना हो गया चार, ये तो तुलना करने आ गया। अब ये पता करिए अस्तित्व में है कि नहीं, तो अस्तित्व में देखिए क्या है, व्युत्क्रम निकालिए, व्युत्क्रम डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जीरो, जीरो के बराबर या जीरो से छोटा हो तो मान रखिए बी बराबर कितना है माइनस फोर कड़ी में थ्री का हो गया होल स्क्वायर, फोर ए बराबर हो गया थ्री, सी बराबर कितना हो गया चार, देखिए चार चौका सोलह माइनस प्लस कड़ी का हो जाएगी, यहाँ समाप्त हो जाएगी, चार त्याई बारह चौक कितना हो गया अड़तालीस, सोलह दून बत्तीस, सोलह त्याई अड़तालीस, अड़तालीस में से अड़तालीस जाए क्या बचेगा जीरो बचेगा। देखिए मूल वास्तविक तथा क्या आता, मूल वास्तविक तथा क्या है समान है, क्योंकि दोनों बराबर आया है ना, अतः मूल वास्तविक तथा समान, एक क्वेश्चन हर साल आता है। अब समान है तो कहा था कि अस्तित्व, मूल अगर अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसको गुणनखंड कर लीजिए, चार त्याई बारह गुणनखंड करके, मैं इसको बता वही गुणनखंड करके जो है इसका मान निकालना होता है, वही उसका मूल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको अस्तित्व तो पता चल गया, बत गए, चलिए ये तो गुणनखंड करने के लिए आपको बता दिया हूँ कि ऐसा गुणा करिए कि बारह आ जाए, जोड़ने पर इतना आ जाते तो मैं बहुत बताया हूँ कैसे, देखिए चार त्याई बारह, ऐसा गुणा करिए कि बारह आ जाए, जोड़ने पर चार कड़ी में तीन आ जाए, ऐसा मैं बहुत क्वेश्चन बताया हूँ, कड़ी वाला भी बताया हूँ साल के। लेकिन आज मैं एक बता दे रहा हूँ कि एक ऐसी मशीन होती है जो बहुत वर्षों से इंतजार होता है नौ साल तक, कि एक आता है सीधा चार विधि, जो द्विघात समीकरण का कैसा खंड हो अगर उस मशीन में डाल दो तो अपने आप बाहर निकल जाता है। ये कब लगाते हैं, जब साधारण गुणनखंड नहीं होता है तब लगाते हैं, या तो कहता है। चलिए तो सीधाचार विधि में बता दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को कब अब लगाएंगे ऐसे नियम को, या तो कहेगा कि सीधाचार विधि यदि या सूत्र द्वारा गुणनखंड कीजिए, या कहेगा जब आप किसी संकट में पड़ जाएंगे तब इस सूत्र होगा, सूत्र क्या होता है जिस एक्स बराबर है ना, तो ये सूत्र हो जाता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए, यही होता है सीधाचार विधि। जब गुणनखंड करने का मन न हो, खाली मूल ज्ञात करना हो, हमको कठिन लगे तो इस पर रख दीजिए, आपका क्वेश्चन निकल के बाहर हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वही है जो आप पहले साल किए हैं प्लस माइनस, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी ही होता है ना, अपन का टू ए। चलिए अब बी का मान क्या है, यहाँ से निकालिए, ए बराबर क्या निकाले तीन निकाले थे, बी बराबर क्या हो जाएगा फोर कड़ी में थ्री हो जाएगा, और सी बराबर फोर हम निकाले थे, देखिए रख दीजिए। अगर एक दिक्कत होगी सूत्र, हमें लगता है कि सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि कभी कभी ऐसे कंडीशन आते हैं जब गुणनखंड नहीं होता है तो हम ऐसे सवालों को लगा लेते हैं। चलिए रखिए, तो माइनस बी बराबर क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फोर रूट क्या हो जाएगा थ्री, आर डी का मान आप कितना निकाले हैं साल के इसमें रखेंगे तो फिर जीरो आएगा, या तो डी रखिए तो डी का मान क्या निकला था जीरो निकला था अपान टू ए, तो जीरो का और मूल निकालेंगे जीरो हुआ होगा प्लस माइनस जोड़ जीरो हो जाएगा, यानी फोर, देखिए एक बराबर कितना है तीन है, तीन तीन रख दिए, तीन दूना छः हो जाएगा, और दो दूनी चार, दो तिहाई छः, एंड टू रूट थ्री अपान क्या हो जाएगा थ्री, यही आपका कहाँ निकल गया एक्स का मान निकल गया, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है, ये प्लस माइनस दोनों होता है ना, प्लस माइनस हो गया, लेकिन दिक्कत हो गई प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया आप खुद देख लीजिए, देखिए ये फोर कड़ी रूट थ्री है ना, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह दोनों है, तो जीरो जोड़ें घटाएं कोई मान परिवर्तन नहीं है, ये खाली समझाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कभी ये तो जीरो धनात्मक लेंगे तो एक्स का मान निकल, ऋणात्मक लेंगे एक्स का मान निकल जाएगा, तो वही छोड़ दीजिए, फोर रूट क्या होगा थ्री अपान सिक्स है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स पर कितना हो जाएगा, काट देंगे आप
दो दूना चार दो तिहाई छः तो दू रूट थ्री अपान क्या आ जाएगा, थ्री हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, रूट थ्री को लिख सकते, तीन को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री रूट थ्री, क्योंकि कणिश कणिका होती है समाप्त, इससे खलास कर सकते हैं कर्ण थ्री, यही यश का मान निकल गया, अतः अस्तित्व में आ गया। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसका, उसका अस्तित्व नहीं आएगा, आप सॉल्व करेंगे और इतना सॉल्व करते रहे, ऐसे सारे क्वेश्चन को आप लोग लगाते रहिएगा जिसमें मूल पूछेगा। ये पूरे अध्याय में बीतकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाएंगे, चाहे समीकरण हो चाहे इबारती क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन को तुरंत बताऊंगा। धन्यवाद।